कम से कम 15 साल से जानता हूँ। मैं यहाँ पे डॉक्टर गुंजन से मिला, मैं अपनी सिस्टर के साथ यहाँ आया था। मेरी सिस्टर को थ्रोट से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, तो उन्होंने उनको दिखाया। एक डॉक्टर वही होता है जो पेशेंट की वॉइस से उसको पहचान ले, तो मेरे को नोज में लिप था, डॉक्टर गुंजन ने मेरी आवाज़ से मेरे को पहचान लिया। तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया फोलिप्स के कारण, मेरे बहुत सारे फोलिप्स थे। डॉक्टर गुंजन ने मुझे ऑपरेशन के लिए मोटिवेट किया, मैं ऑपरेशन से बहुत डरता था। मैडम ने मेरे को मोटिवेट किया और मैंने अपना ऑपरेशन किया। उसके बाद मेरे को ये बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। मेरे नाक में साइनस की प्रॉब्लम थी, फोलिप्स थे उससे मैं, जिसके कारण मैं सो नहीं पाता था, मैं सांस लेने में प्रॉब्लम थी। ऑपरेशन होने के बाद मैं उससे सारी चीज़ों से रिकवर कर गया, अच्छी तरह सो पा रहा हूँ, सांस ले पा रहा हूँ। और ऑपरेशन होने के बाद मैं थर्ड डे ड्राइविंग करके लेके आया, जिससे मुझे फीलिंग बेटर हुई। और डॉक्टर मुझे ने कैसे डॉक्टर हैं जो पलविहार में जो ENT स्पेशलिस्ट हैं, इसके मुकाबले में कोई डॉक्टर नहीं। मैं डॉक्टर गुंजन का थैंक्स करता हूँ जिसने मेरी प्रॉब्लम सोल्व की और मेरे को एक बेटर लाइफ। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर रितेश। आई एम डॉक्टर गुंजन सचदेवा, सीनियर कंसल्टेंट ENT सर्जन एट मणिपाल हॉस्पिटल पालम बिहार। मिस्टर रितेश हैड विजिटेड मी विद अ प्रॉब्लम ऑफ नेजल ब्लॉकेज, साइनस एंड एलर्जी डिजीज फॉर मेनी इयर्स। 7 साल से प्रॉब्लम थी आपकी और नाक से सांस नहीं आता था। Yes, I motivated him for nasal surgery and the surgery went smooth. It was endoscopic sinus surgery and I took out the polyps with the help of microdebrider, cleared all his sinuses. He's relieved of all his symptoms now and he's very happy. तो अब आपको कैसे लग रहा है? जो आपको नेजल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम थी या स्नोरिंग थी या आप सांस ले नहीं पाते थे कंफर्टेबली, ऑपरेशन के बाद अब कैसा लग रहा है? प्रॉपर सांस ले पा रहा हूँ। पहले मैं मुंह से सांस ले रहा था, अब मैं बिल्कुल नोज से सांस ले पा रहा हूँ। स्नोरिंग बिल्कुल भी नहीं मेरे को, और मैं जहाँ भी घूमता हूँ अच्छा फीलिंग करता हूँ। तो आपके फैमिली मेंबर्स को भी डिफरेंस लग रहा है अब आप जब घर पे सोते हैं कंफर्टेबली? यस मैडम, जब मैं रात को सोता था तो मैं स्नोरिंग बहुत करता था। अब जैसे ऑपरेशन हुआ उसके बाद जैसे मैं सोता हूँ तो घर वाले मेरे को हाथ लगा लगा के जगाते हैं कि सो रहे हैं क्या, अभी सो रहा है, तो उनका वो वॉइस नहीं आ रही, तो वो फीलिंग बेटर कर रहे हैं। वो मैडम का बहुत थैंक्स कर रहे हैं कि जब से 7 साल से प्रॉब्लम में था, इसने पहले ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया, और हम कह कह के थक चुके थे कि ऑपरेशन करवा लो, लेकिन डॉक्टर मुझे मोटिवेट किया और उसने मेरा ऑपरेशन किया और मैं सक्सेसफुल हो गया और बहुत हैप्पी है पूरे परिवार, पूरी फैमिली। ऑपरेशन के बाद कोई ब्लीडिंग तो नहीं हुई आपको? कोई ब्लीडिंग नहीं मैडम। और हमने आपको 24 आवर्स आफ्टर द सर्जरी डिस्चार्ज कर दिया था? बिल्कुल मैडम। राइट। और थर्ड डे जैसे कि आपने कहा कि आप ड्राइव करके अपनी सिस्टर को हॉस्पिटल लेके आए किसी और कंसल्टेशन के लिए, राइट? तो आप पेशेंट्स को जो घबराते हैं एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के लिए क्या मोटिवेट करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये मैसेज देना चाहूंगा मैडम कि मैडम इस प्रॉब्लम से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करो, फिर उसको ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन में कोई भी रिस्क नहीं है मैडम। उसके बाद अगर आप एक बार ऑपरेशन करा लोगे उसके बाद आप बहुत बेटर फील करोगे और आपकी लाइफ में बहुत सारा चेंज हो जाएगा। राइट। और इस सर्जरी में ये भी आपको बता दें, याद दिला दें कि इसमें कोई निशान, कोई स्टिच, कोई स्कार फेस पे नहीं आता। इट इज डन कम्प्लीटली एंडोस्कोपिकली, दूरबीन से नाक के अंदर से ये ऑपरेशन किया जाता है। कोई भी स्टिच वगैरह नहीं है बिल्कुल। पहले मेरी नोज टेढ़ी थी, अब दिखने में भी अच्छी लग रही। राइट। थैंक यू मिस्टर रितेश। थैंक यू मैम। थैंक यू।